यहाँ पे रिएक्शन का मजा आएगा। What's up guys, welcome to another video after a long time। यार मैं क्या बताऊँ, इतना बिजी था। मेरे बड़े भाई की जो है वो शादी थी, जो ही शादी ख़त्म हुई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और जिसकी वजह से मैं काफ़ी बीमार हो गया और मेरा काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है। और आपको मैं एक दफ़ा फिर आपसे माजरत करता हूँ कि मैं आपके लिए कोई कंटेंट नहीं बना सका। तो अब ये सीन है कि यार आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और मेरी जो GS150 स्पेशल एडिशन वाली वीडियो थी आपने उसको इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका यार शुक्रिया अदा करता हूँ। यार मतलब कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। सो ये तो हो गया जी, सारा चीज़ें क्लियर कर दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जा रहे हैं दरिया चनाब और वहाँ पे भी मैं इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते हैं और आपको बताते हैं। और मेरे साथ जो है वो अब्दुल हनान है फ्रॉम कहाँ से अब्दुल हनान फ्रॉम अमेरिका वाले। तो चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। सो गाइस करते हैं स्टार्ट अपना व्लॉग। सबसे पहले मैं सेल्फ मार लेता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सफ़र करते हैं शुरू। ये एक देहात का इलाका है, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। और अब ये है कि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, बल्कि हो चुकी हैं। यानी अभी मुझे अब हेलमेट में जो है वो गर्मी लगने शुरू हो गई है। हम जाएंगे गाँव के अंदर से, क्योंकि बाहर से काफ़ी लंबा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें अंदर से जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें राइड लेना है। और लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे इस टाइम जैकेट में गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल एक ये जाली है ये देखें, जिसकी वजह से बिल्कुल यानी मज़े का माहौल है। ट्रक वाले भी ना, माहौल तो बड़ा टाइट है। तो यहाँ से रो पीते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे आए थे, रुके थे, थोड़ी सी एक रो मिली है, मतलब कि गन्ने का जूस जिसको कहते हैं, बड़े मज़े का। मतलब एक छोटा सा देख रहे हैं ढाबा वगैरह बना हुआ है। गन्ने देखो यार कितने साफ़ सुथरे गन्ने हैं, साफ़ सुथरी चीज़ है। तो चले अब पीते हैं गन्ने का जूस वगैरह। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा ढाबा है और इस तरफ बड़ा प्यारा सा एक गाँव नमा माहौल है। लोगों ने घोड़े छोड़े बांधे हुए हैं, भैंसे गाय वगैरह। और वो देखिए एक छोटा सा कब्रिस्तान भी बनाया हुआ है। मुझे लगता है ये इन्हीं लोगों के यानी कि रिलेटिव्स वगैरह का छोटी सी अपनी जगह है, उन्होंने की हुई है। तो गन्ने का जूस हमने पी ली है। तो अभी ये बहुत ही गंदी रोड है ये, क्योंकि हम लोग अंदर से जा रहे हैं। लोगों के रिएक्शन बड़े मज़े के आ रहे हैं, जैकेट पहनी हुई है लोंडे ने और ऊपर से हेलमेट, ऊपर से कैमरा माउंट हुआ हुआ है। तो लोग अच्छे रिएक्शन दे रहे हैं। सो ये गांव एक आ रहा है, छोटा सा कस्बा है, इसका नाम है माचरा कलां। बड़ा प्यारा एक छोटा सा कस्बा बना हुआ है।
ये एक फैक्ट्री, क्योंकि सियालकोट में हर जगह फैक्ट्रीज होती है, तो ये सियालकोट का एक बहुत बड़ा नाम सैगा, जिसका यानी कि फुटबॉल वगैरह बनाता था सारा, ये उसकी फैक्ट्री थी। इस तरह की उसने पूरे सियालकोट में ना काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई थी फैक्ट्रीज, यानी काफ़ी ज़्यादा यूनिट थे इसके। अब तो वो बहरहाल उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बड़ी मतलब बहुत अमीर शख्स था वो। उसने कहा था कि अगर आप सियालकोट का नाम सैगा सियालकोट रख दोगे तो मैं इसको सोने की चिड़िया बना दूंगा, पता नहीं कौन सी चिड़िया बना देगा, यानी ये बड़ा पैसा लगाऊंगा, कहने का मतलब ये था। छोटी सी एक स्टोरी थी ये। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई को, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊं। तो ये है वो माजरा, एक छोटा सा कस्बा टाइप है, बस ये अभी देखो शुरू हुआ है और अभी ख़त्म भी हो जाएगा। ओए होए होए, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं यार, क्या रिएक्शन। फुल ऑफ नेचर है, बड़ा प्यारा, ये देखें बहुत प्यारा इलाका है। सनसेट का टाइम हो रहा है, हमें सनसेट से पहले वहाँ पे पहुँचना है। यहाँ से थोड़ी सी रोड सेट है, वो जो पराठे नहीं होते थे या रोटियाँ, उनकी खुशबू आ रही है मुझे, यानी जो गेहूं में बनते हैं। वाह यार, बहुत ही मतलब अमेजिंग यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा। ओए ये फुल, यानी आप कह लो कि लाइफस्टाइल है, विलेज लाइफस्टाइल। ये देख रहे हैं आप, ये भैंसों के बैठने के लिए इधर दरख्त के नीचे जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये रोड ऐसी हैं कि 50 से ऊपर बंदा ट्रैवल कर ही नहीं सकता। यहाँ पे रिएक्शन का मज़ा आएगा। अब लोगों को देखो बस, ओहो इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, ओ तेरी खैर। बिल्कुल रोड्स की ग्रिप नहीं है, मैं ब्रेक मारता हूँ ना तो बिल्कुल यानी कि ऐसे महसूस होता है कि अभी स्लिप हो जाएगी बाइक, लेकिन होती नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। वो सामने रोड है मेन, जो हमें पुल तक लेके जाएगी, जिसका नाम है शहबाजपुर पुल। यहाँ से अभी हमने लेफ्ट लेना है, और ये रोड कॉर्पोरेट रोड, बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है। बिस्मिल्लाह करते हैं। मीटर, बहुत प्यारी रोड हो, वाह। हंड्रेड का मीटर, जिस भाई को नहीं नज़र आ रहा मैं कुछ नहीं कर सकता।
मुझे लगता है ये पहले ये हिस्सा नहीं था बना हुआ, अब आके बना है। लेकिन कमाल है, 100 पे बाइक मज़े से जा रही है और अभी मैंने सही थ्रॉटल दिया नहीं है, मज़ा आ गया भाई। अच्छा, दो बंदे हम बैठे हुए हैं, मुझे लगता है ये दो बंदे 100 तक आराम से चले जाते हैं, तो बहुत है यार इतना। ओ वाह यार, लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब करो। मैंने अभी तक जो है ना वो रेस को छोड़ा नहीं है। देहात देख रहे हैं आप, बड़े प्यारे, एक सनसेट वाला माहौल है। अभी बाइक जो है वो 110 तक पहुंच रहा है। ये जगह पहले ये रोड नहीं थी बनी हुई, पीछे तक बनी हुई थी जब मैं थोड़े अरसा पहले गए थे हम लोग, तो अब बन चुकी है और बहुत ही प्यारी है यार। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं रिकॉर्डिंग छोड़ूं, इतनी प्यारी जगह। सिंगल पे अगर मैं थोड़ा सा खींचूँ ना तो यकीन मानो ये 120 करे। ये है जी दरिया चनाब, और मेरा गोप्रो कह रहा है कि भाई बैटरी लो होगी। वाह यार क्या लोकेशन है, ओ भाई ओटियां छोटी हैं, क्या लोकेशन है यार, क्या लोकेशन है। ये सीन है कि ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, हमने जाना है वो ऊपर। ओ वाह क्या यार मज़ा आया, बहुत अच्छी राइड है। अच्छा, कई लोग मुझे जो है ना कमेंट में मेरी राइडिंग की बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना इतने इतने अच्छे कमेंट करते हैं यार। यकीन मानो क्या, और हम क्रिएटर्स को और क्या चाहिए बताओ आप, यही चाहिए, यही बातें चाहिए, इन्हीं से दिल खुश होता है और फिर दिल करता है कि और कंटेंट पे फोकस किया जाए। सो थैंक यू सो मच, जो लोग कहते हैं कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं, थैंक यू, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। अभी ये पता नहीं कहाँ पे जो है रास्ता यही है मुझे लग रहा है। गुजरात के जो लोग मुझे देख रहे हैं यार, इतनी अच्छी जगह है आपके पास, आप राइडिंग वगैरह करो, यहाँ पे आओ। ओ यार बड़ा व्यू, मज़ा आ गया भाई। हम पहुंच गए जी अपनी डेस्टिनेशन पे, बड़ी ही प्यारी जगह है यार, बड़ा मज़ा आया। ये कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 किलोमीटर की राइड थी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, बड़ी कमाल रोड थी। ठीक है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा दरिया चनाब का पुल है ये। ये कम से कम मेरे ख्याल से ये 1 से 1.5-2 किलोमीटर या 1 या 1.5 ज़रूर होगा, यानी 1 तो हो गई होगा। आपकी सपोर्ट से दिल इतना खुश होता है कि मज़ा आता है व्लॉगिंग करने का, और जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनका एक दफ़ा फिर से यानी दिल से रिस्पेक्ट। और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ Q&A की,
तो आपने क्या करना है कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, किसी भी किस्म का सवाल हो मैं उसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।